अब खबर पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र से है, जहां चौकड़िया मोड़ पर निजी बस की चपेट में आने के चलते एक महिला की मौत हो गई। थानाधिकारी गिरवर सिंह ने बताया कि मृतका लीला देवी मेहंदी फैक्ट्री में काम करती थी और रविवार की सुबह काम पर जाने के बाद वो फैक्ट्री की बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान फैक्ट्री की ही बस की चपेट में आने से लीला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मृतका के परिजन और साथी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सड़क पर लंबा जाम लगा दिया और साथ ही शव को सड़क पर रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को बढ़ता देख पुलिस और फैक्ट्री के पीओ मौके पर पहुंचे और 11 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। प्रेम हिन्ना मेहंदी फैक्ट्री के मालिक की बस करमाल से फैक्ट्री की तरफ गुलाब की तरफ जा रही थी। सरहद करमाल श्रीमती लीला देवी जो इसी फैक्ट्री में मजदूरी करती है वो रोड पार करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। इस बात का ज्ञान अड़ोस पड़ोस लगने पर लोग एकत्रित हुए और उसके पति कपूर सिंह द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट ली गई, प्रकरण दर्ज कर मौका कार्रवाई शुरू की गई है। रावत समाज फैक्ट्री मालिक के बीच में सहमति हो चुकी है, आवागमन